नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। नया वेरिएंट ओमिक्रोन आने के बाद कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। देश में एक हफ्ते में कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो कोरोना का डराने वाला रूप साफ दिख रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 124 लोगों की जान भी गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.46% हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना केस में बढ़ोतरी के चलते एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम करने का भी फैसला किया है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने अपने ऐलान में बताया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब सभी सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के दफ्तरों के लिए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में अब प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। सिसोदिया ने कहा कि प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी ऑनलाइन रखें और 50% ऑफलाइन रखें। केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है, लेकिन कोरोना के केसेस कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार बैठक कर कोरोना से जंग के लिए रणनीति बना रहा है। मंगलवार को ही बैठक में वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया गया। वहीं इस बैठक में एक और फैसला लिया गया कि दिल्ली में बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के इसके अंदर यात्रा की इजाज़त नहीं होगी। बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन पर लगी लंबी लाइन और भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।